नमस्कार साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आज रेट पात्रता परीक्षा के जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जैसे आपके एग्जाम में आएंगे उसी प्रकार से, और ये पूरा पेपर हल करने का प्रयास करें साथियों। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे को वास्तव में कितने आते हैं। और इसकी आंसर की है साथियों, कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लेना, शाम को इसके आंसर डाल दिए जाएंगे। आप पूरा वीडियो क्यूज करके आराम से प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये पेपर जब तक आपकी रीट पात्रता होगी तब तक लगातार उसी प्रकार से जारी रहेंगे साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट के। देखिए पहला क्वेश्चन, शरारत करने वाले बालकों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करेंगे? ये चार ऑप्शन हैं। उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाएंगे, उसे कक्षा के एक कोने में बैठाएंगे, उसे श्याम पट को साफ कराएंगे, या उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। तो ये पहला प्रश्न है साथियों, शरारत करने वाले बालकों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिएगा इसका क्या आंसर होगा। अपनी कॉपी है उसमें 30 प्रश्नों के आंसर लिखेंगे और कम्युनिटी टैब में जो आंसर की जारी की जाती है उससे मिलान कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व है सामान्यकरण, समझदारी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दूसरा है। तीसरा प्रश्न देखिए, शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना, बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए, बालकों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना, कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करना। तो देखिएगा तीसरे का क्या होगा। आराम से वीडियो को रोक रोक के देखें साथियों। चौथा प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं है? यह पाठ में अरोचकता उत्पन्न करता है, पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु आवश्यक है, पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, बालकों के ध्यान को केंद्रित करने हेतु आवश्यक है। तो ये चार ऑप्शन चौथे प्रश्न के लिए हैं। पांचवा प्रश्न है साथियों, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालक के समायोजन संबंधी कारक हैं, उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना, अपनी सामाजिक स्थिति में प्रसन्न रहना, अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना, उसमें प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति का विकास करना। तो ये आपके चार ऑप्शन रहेंगे पांचवें प्रश्न के लिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालक के समायोजन संबंधी कारक हैं। छठा प्रश्न साथियों, किसी बालक का साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वालों के लिए या वाले के लिए आवश्यक है कि ये चार ऑप्शन हैं, वह बालक की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करे, वह बालक की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करे, बालक अपनत्व को अनुभव करे, या उपरोक्त सभी। ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा साथियों, आप रोक लेना वीडियो को। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? जो धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं उनके लिए शिक्षक निम्न में से क्या उपाय करेगा? शिक्षक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए, ऐसे बालकों के अलग कक्षाएं चलाई जाएं, उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए, पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाए। तो देखिए क्या होगा इसमें। आठवां प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है? शिक्षा से व्यवसाय मिले, शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए, या शिक्षा के साथ
व्यवसाय की जानकारी हो। नौवा प्रश्न है साथियों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन है। यह चार साइंटिस्टों के नाम हैं, जीन पियाजे, गेट्स महाते, स्किनर, गिलफोर्ड। दो तीन प्रश्न इस प्रकार के आएंगे साथियों आपके साइंटिस्ट वाले। जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करे तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? उसके गृह कार्य में कटौती करे, प्राचार्य से उसकी शिकायत करे, वास्तविक कारण की खोज करे या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करे? यह आपका दसवां प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, थोड़ी किताब से फोटो ली गई है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें आप, आराम से ना दिखाई दे। शिक्षण के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षाओं के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है? शिक्षण के क्षेत्र में ये चार ऑप्शन है, बालक कितना बुद्धिमान है, शिक्षण द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, शिक्षक पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, बालकों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, ये है। बारहवां प्रश्न साथियों, अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या आवश्यक है? बालकों को प्रभावित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह बालकों के प्रति दृढ़ रहे, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो ये साइकोलॉजी है साथियों, एक से ही ऑप्शन लगेंगे सभी, आपको देखने में ऐसे लगते हैं कि सभी सही हैं, लेकिन इनमें से आपको जो इसके लिए सही है वो चुनना होगा। तेरहवां प्रश्न देखिए, तेरहवां प्रश्न है, जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं उनमें विषयों के प्रति प्रवीणता का अभाव होता है, वे बालकों का ध्यान खींचने का दिखावा करते हैं, वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं, या उपरोक्त सभी। और बताइएगा साथियों, आपको किस प्रकार से बताया जाए, क्या साथ साथ में आंसर बताए जाएं या इसी प्रकार से पेपर आपके सामने रखा जाए और आप उनके आंसर कम्युनिटी टैब के माध्यम से देखें। भ्रमण के दौरान आप बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? चौदहवां प्रश्न है, बालक हर स्थान व वस्तु का ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें, बालक चुपचाप है सब कुछ देखें तथा शिक्षक से कोई चर्चा ना करें, बालक अपनी चर्चा की विषय वस्तु नोटबुक में लिख लें, बालक आनंद में घूमे तथा शिक्षक को भी आनंद में घूमने दें। ये चौदहवा है। और पंद्रहवा प्रश्न देखिए, आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में है उद्देश्यों का क्षेत्र, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, शिक्षण विधियों का क्षेत्र या अनुशासन का क्षेत्र, इनमें से एक क्षेत्र आपको चुनना है जो महत्वपूर्ण है आदर्शवाद के लिए। सोलहवा प्रश्न है साथियों, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, बालकों के बैकग्राउंड को जानना या उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्रहवां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा व्यवस्था हेतु उपयुक्त विद्यालय, ये चार हैं, ज्ञान, प्रबोधनी, अमर ज्योति, विश्व भारती या शांति निकेतन। अठारहवां प्रश्न आपके लिए साथियों, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस तरह के बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेल लिपि अंधे बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए या इनमें से कोई नहीं। 30 प्रश्न है साथियों, आप इसी वीडियो में बताइएगा आपके कितने सही उत्तर हो रहे हैं, देखते हैं किस विद्यार्थी के सबसे ज्यादा बनते हैं इसमें। एक बालक की बुद्धि लब्धि 120 है, आपके अनुसार वह बालक है? बुद्धि लब्धि जिसकी 120 है वह बालक क्या होगा? मानसिक रूप से पिछड़ा, सामान्य, प्रतिभाशाली या समस्यात्मक है? 20वां प्रश्न, निब्बे से कम बुद्धि लब्धि वाले
बालक को क्या कहते हैं? वंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक या मानसिक रूप से पिछड़े बालक? बुद्धि लब्धि जिसकी 90 से कम है। और 21वां प्रश्न है, निम्न में से क्या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है? लिंग भेद, आयु एवं परिपक्वता, स्वास्थ्य या ये सभी? साथियों 22वां प्रश्न आपके लिए, जब कोई बालक स्वयं से वशीभूत होता है तो उसमें निम्न में से किस शक्ति का अभाव पाया जाता है? विचार करने की, क्रोध करने की, उचित व्यवहार शक्ति की या इन सभी की? 23वां प्रश्न है, वह अर्जित कारण जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणा की उत्पत्ति होती है, मूल प्रवृत्तियां, रुचि, आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन? 24वां प्रश्न यह है, जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन है, जब एक बालक उत्तेजित दशा में आता है या होता है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं? आंतरिक, बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों या सामान्य? 25वां प्रश्न साथियों, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन के निर्माण के लिए निम्न में से किस पर जोर देना आवश्यक है? बालकों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, बालकों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, बालकों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना, बालकों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है? थोड़े से बड़े हैं ऑप्शन, इसको आराम से रोक के फिर देखें क्या आंसर होगा इसका। 26वां प्रश्न है साथियों, मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? यंग, कोहलर, मैकडूगल या स्किनर? 27वां प्रश्न है, कर्म के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण है, शिक्षण की संपूर्ण योजनाओं का निर्माण, दैनिक पाठों की पाठ योजनाओं का निर्माण, इकाई पाठ योजनाओं का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण? 28वां प्रश्न, कक्षा कक्ष में बालक के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक है, बाल प्रेरणाएं या बालक प्रेरणाएं, बालक मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, पुरस्कार एवं दंड? और 29वां प्रश्न है साथियों, भाषा के विषय में निम्न में से क्या अभिव्यक्ति सत्य है? भाषा के विषय में निम्न में से जो नीचे दी गई हैं उनमें से क्या अभिव्यक्ति सत्य है? एक प्रकार का चिन्ह है, विचार विनिमय का माध्यम है, भाषा लिखित होती है इसमें या इसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं होता है? भाषा के बारे में है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। और आज का अंतिम प्रश्न साथियों, पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के विषय में निम्न में से क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? ये आपके चार ऑप्शन हैं, प्रत्येक ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा। बालक के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए, बालक को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, बालक को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, बालक को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो देखते हैं साथियों, आपके 30 में से सबसे ज़्यादा किसके सही होते हैं, सही सही बताने का प्रयास कीजिएगा। जो विद्यार्थी सही नहीं बताएंगे वो स्वयं के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो ये पेपर है, इसी प्रकार से लगातार सभी सब्जेक्टों के पेपर आपके सामने रखे जाएंगे। देखते हैं ये प्रैक्टिस क्या रंग लाती है। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।